उधर राहुल गांधी के जीजा मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। जमीन घोटाले को लेकर उनकी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये जमीन राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। गुरुग्राम के शुकोहपुर की इसी जमीन के घोटाले में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट समेत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी और लैंड यूज चेंज करवाकर डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। हुड्डा ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर जमीन का लैंड यूज चेंज किया था। इस साल आम चुनाव भी हैं, लिहाजा ईडी अपनी पूरी तैयारी के साथ रॉबर्ट वाड्रा को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए जहां ईडी ने वाड्रा के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया है, वहीं दूसरी तरफ ईडी वाड्रा के पीए रहे मनोज अरोड़ा के जरिए भी वाड्रा पर निशाना साधने की कोशिश में है। इसके अलावा ईडी के हाथ ये ईमेल लगा है जिसमें साफ लिखा है, डियर रॉबर्ट प्लीज फाइंड अटैचमेंट आउटलाइन फ्लोर प्लान्स एज रिक्वेस्टेड। ये वो ईमेल है जो हथियार डीलर संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्डा ने भेजा है। सूत्रों का दावा है कि ईडी कोर्ट में मनोज अरोड़ा, संजय भंडारी और वाड्रा के कनेक्शन का मुद्दा भी उठाने जा रही है। बीजेपी भी कांग्रेस को वाड्रा के मुद्दे को लेकर घेर रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।